राम राम जी, नमस्कार। मैं अमदीप आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं जी आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज एक और कच्चे खुट्टे से किसान के घर से भैंस आप भाइयों के सामने लेकर के आए जो कि बिक्री के लिए उपलब्ध है। काफ़ी बढ़िया और शानदार, फुल वजन की, हाइट लेंथ की, कोई भी किसी प्रकार की जो है कमी नहीं। ये देखें जी, आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट के काबरेल गाँव से, और काफ़ी बढ़िया आपस में आप भाइयों के सामने दिखा रहे हैं जी। आज नीचे जी 15 दिन के लगभग जो ब्याई होगी है और नीचे कटड़ा है जी। पूरी जो जानकारी लेते हैं जी मालिक से, जो कि सही जानकारी आपको कच्चे खुट्टे किसान के घर से देखने को मिलती है जी, पूरी डिटेल है वो लेते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बताएं अपने भैंस के बारे में, कौन से ब्यांत की है, नीचे बच्चा क्या है, कितने दिन की ब्याई होगी है? तीसरे ब्यांत की है और 15 दिन की ब्याई होगी। 15 दिन की ब्याई होगी। तीसरा ब्यांत है। तीसरा ब्यांत। अभी कितना दूध दिया पिछले बारिश ने? पिछले बारिश ने 14 किलो दूध दिया। 14 किलो पिछले बार दूध दिया जी। अब की बार? अब की बार उम्मीद है 16-17 किलो दूध देगी। 16-17 किलो, 15 तो दे ही देगी। हाँ जी, हाँ जी, खुला। अभी मौके पे कितना तैयार है जी? मौके पे भी 13 किलो तैयार है। 13 किलो तैयार है। अभी एक टाइम का आपको निकाल के भी दिखा देंगे, जो भी जानकारी साफ सुथरी आप भाइयों तक लेकर के आ रहे हैं जी। किसी प्रकार की धार के अंदर, चुवाई के अंदर कोई दिक्कत हो वो भी सामने आ जाए, बिल्कुल जेड ब्लैक है जी दोनों के दोनों, कटड़ा भी और भैंस भी। बिल्कुल थोड़े से जो पूंछ के वाइट बाल हैं वो आप सामने देख पा रहे हैं जी। एक से एक अच्छा पशु आप भाइयों के सामने लेकर के आते हैं जी डेली के डेली। एक दो वीडियो आप भाइयों के सामने जो है दिखाते रहते हैं जी किसान के घर से। काफ़ी बढ़िया बढ़िया पशुधन आपको जो देखने को मिलता है जी, और जायज़ कीमत में जो पशु है वो किसान के घर से आप भाइयों को मिलता है। तो एक से एक अच्छा पशु देखने के लिए अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करें जी। और अभी जो है दारचुवाई दिखा देंगे आपको, कैसी है, मोटी है, पतली है, छर्रा है, वो सारी पूरी क्लियर बातें हैं इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी जी। थोड़ा सा माइनस पॉइंट है वो थनों का है जी। बिल्कुल जमींदार के घर पे जो है दूध पीने के लिए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़िया ओके रहेगी जी। तो देखें जी, जो पहुंचने के बाद में थन निकाला जी इसने, तो बिल्कुल मुट्ठी के कार के जी। अभी दूध निकाल करके आपको दिखाएंगे जी कितना देती है और कैसी दर्द हुआ की है, वो क्लियर बातें जी वीडियो के अंदर होनी चाहिए ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। ये देखिए भी धार देते हुए पशुधन को, हरियाणा के अंदर भी ऐसा होता है। बिल्कुल मोटी और नरम सुवाई जी आप भाई देख पा रहे होंगे, बाल्टी के अंदर सुनती हुई धार ऐसे भी चाक निकाले तब पड़ोसियों ने भी सुना है। ये देखो जी, अगले थनों की धार भी है, काफ़ी बढ़िया है जी। दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगी, वो तो दोबारा फॉलो कर दो। ये देखो, दूध निकालने में कोई दिक्कत नहीं है जी आपको, मैंने दिखा दिया अभी। ये देखें जी, जो दूध बताया है बिल्कुल ओरिजिनल ओके है, इस बात में कोई रोल नहीं है जी। 13 किलो दूध तैयार है जी, 15 किलो निकाल देगी। रेट है वो बिल्कुल जायज़ कीमत में आप भाइयों को देंगे जी। बाकी आप अपनी मर्जी से एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना जी किस भाव में आप भाइयों को लग रही जी ये धार की, चुवाई की, बिल्कुल ओके है जी। ये देखें जी, बाल्टी के दूध है वो कम से कम होगा तो 5-5.5 किलो दूध है जी, और बच्चे के लिए भी छोड़ देगा एक थन, और थोड़ा थोड़ा भी और तीनों थनों के अंदर भी धार है और छोड़ी गई है नीचे, ये कटड़ा है जी। कोई भी भाई आए अपना 2-3 टाइम अपनी तसल्ली करके जो पशुधन ले सकता है जी, एक खरीदने हो, दो खरीदने हो, तो भी अपने से कॉल कर सकते हैं जी। तो इसका रेट मोल भाव क्या रहेगा जी? रेट 1,10,000।
1,10,000 रुपये, बाकी मौके पे आने पे हो जाएगा कम ज़्यादा। मान सम्मान कर दोगे थोड़ा बहुत छोड़ो? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल छोड़ हो जाएगी भी आप। 2-4 हज़ार की जैसी भी होगी, बाकी आने एक बार आकर के ज़रूर देखें जी। अच्छा पशु आप भाई आज दिखाया जी, बाकी कैसा लगे आप भाई वीडियो के अंदर ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।